लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को पूरी तरह से धोखे में रखा जा रहा है। आज की तारीख में इतना खर्चा कौन करेगा रीमेक के लिए। यहाँ पर भी वेदा विक्रम को कहानी बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी। बॉयकॉट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मूवी अच्छी है तो वो मूवी चलेगी ही चलेगी। आप और हमारे इंडिया का एक स्पेशल ट्रेंड है कि अगर 10 लोग किसी चीज की तारीफ करें तो 11वें को अपने आप वो चीज पसंद आ ही जाती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जो ये सीन चल रहा है ये ओरिजिनल विक्रम वेधा मूवी का सीन है, और जब आप लोग ने उस पर्टिकुलर तमिल मूवी को हिंदी डब में देखा होगा तो पूरी मूवी खत्म होने के बाद, वैसे तो पूरी मूवी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो आपको सीटी ताली बजाने पे मजबूर करते हैं, लेकिन ये वो मूवमेंट है जहां पर लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे और स्क्रीन पर से नजर ही नहीं हट रही थी। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मूवी, मतलब ये सीन मैंने कितनी बार देखो ये मैं खुद भी नहीं जानता, अब फाइनली स्क्रीन पर वो मैजिक दोबारा से लौट रहा है। यानी कि बॉलीवुड वालों ने बना दिए विक्रम वेधा, लेकिन टेंशन मतलब बॉलीवुड वालों ने सिर्फ पैसे लगाए। डायरेक्टर वही है पुष्कर और गायत्री मैम, जिन्होंने ओरिजिनल विक्रम वेधा मूवी बनाई थी, अब वो अपना मैजिक फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस को पूरी तरह से धोखे में रखा जा रहा है। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो रीमेक है, सीन टू सीन कॉपी है, और ये टीजर देखकर ऐसा लगता भी है कि भाई सीन टू सीन कॉपी है। लेकिन भाई इस बार मुझे नहीं लगता कि मेकर्स लोग वही गलती करेंगे जो इससे पहले जो दूसरे मेकर्स लोगों ने की थी, रीमेक के नाम पे एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। या पूरी तरह से ऑडियंस का सीपी काटने वाला है, क्योंकि कहानी, क्योंकि यहाँ पर जो मूवी का जो मेन प्लॉट है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने ओरिजिनल विक्रम वेधा देखी होगी तो वहां पर वेधा किस तरह से विक्रम को कहानी बताता है, यहाँ पर भी वेधा विक्रम को कहानी बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होगी, और यही पर ऑडियंस को मजा आएगा। और जहां तक के बहुत ही रूमर्स थे, वो रूमर्स कितने सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल विक्रम वेधा का क्लाइमैक्स था वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है रीमेक में। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे इंडिया में विक्रम वेधा मूवी देखे, तो वो लोग रीमेक क्यों देखने आएंगे, तो उनके लिए प्लस नई ऑडियंस के लिए इसके क्लाइमेक्स को पूरी तरह से चेंज कर दे, जो कि सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब देखते हैं ये बात कितनी हद तक सही है, वो तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। टॉकिंग बात ये है कि आर माधवन और विजय सेतुपति को किसी ने रिप्लेस किया, ये सोचकर भी नींद हराम हो जाए, लेकिन ऋतिक रोशन और सैफ अली खान को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, स्पेशल ऋतिक रोशन को, वो एक मेनियक लग रहे हैं भाई, पूरी तरह से पागल लग रहे हैं। और यकीन मानो वो KGF चैप्टर 2 का टीजर देखने के बाद जो लिटरली फील हुआ था ना, वही फील यहाँ पर विक्रम वेधा के ट्रेलर को देखकर हुआ है। और आज की तारीख में मुंबई में किसी भी एक मूवी को देखने के लिए आपके पास अकेले बंदे के पास 200 से 250 होना चाहिए मिनिमम, वो भी अगर आप लोग KT गैलेक्सी में देख रहे हो तो। अगर आप लोग PVR में कोई मूवी देख रहे हो तो भाई आपको पास 500-600 रुपये होना चाहिए पर पर्सन किसी मूवी को देखने के लिए। तो आज की तारीख में इतना खर्चा कौन करेगा रीमेक के लिए, ये चीज मेकर्स को अच्छी तरह से पता है। वो लोग रीमेक के नाम पे अब आपको कुछ भी धोखे में नहीं। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो सीन टू सीन कॉपी तो लगता है ओरिजिनल मूवी की कंपेयर में, रीमेक मूवी के बजट की बात करें तो बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है। मैं मानता हूँ कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान इन दोनों की फीस इतनी ज्यादा है कि उसमें 3 आर माधवन और 4 विजय सेतुपति आ जाते हैं। इसके अलावा मूवी में खर्चा साफ साफ किया है, लोकेशंस बदले, बड़े बड़े सेट्स लगाए हैं, एंड ऑब्वियसली यार ये बॉलीवुड की मूवी है और ऑब्वियसली इसमें बड़े एक्टर्स हैं, तो उनको ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट किया है और वो बजट हमें साफ साफ नजर भी आ रहा था। लेकिन अगर एक्शन की बात करो तो देखो, ओरिजिनल मूवी में इतने ज्यादा एक्शन नहीं थे, तो आपको इस पर्टिकुलर रीमेक मूवी से भी एक्शन की उम्मीद मत रखना, बस दो ही चीज की उम्मीद रखना, एक तो बढ़िया परफॉर्मेंस जो कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा इसकी कहानी, कहानी जो आपके साथ खेल खेलेगी ना भाई, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। जो पुष्कर और गायत्री जी पर इतना भरोसा, क्योंकि उनकी एक लेटेस्ट वेब सीरीज थी सुजन द वर्टेक्स, आप लोगों ने देखी थी अमेजोन प्राइम वीडियोज पर, तो उससे पता चलता है कि भाई ये कितने विजनरी डायरेक्टर्स है और इस तरीके की मूवीज, इस तरीके की वेब सीरीज बनाने में कितने ज्यादा माहिर है। तो विक्रम वेधा को लेकर जो उनके माइंड में चीजें थी वो साफ साफ टीजर में नजर आती है। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर हमें कितना रोमांच देती है ये ओरिजिनल मूवी के टक्कर में, ये रीमेक हमें उतना या उससे बढ़कर देती है या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बॉयकॉट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मूवी अच्छी है तो वो मूवी चलेगी ही चलेगी, आप लोग उसको कितना भी बॉयकॉट बोलो। और वो जितने भी जो बॉयकॉट करते हैं मैक्सिमम उसमें से वो लोग हैं जो लोग कभी थिएटर में जाते ही नहीं, वो लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे इंडिया का एक स्पेशल ट्रेंड है कि अगर 10 लोग किसी चीज की तारीफ करें तो 11वें को अपने आप वो चीज पसंद आ ही जाती है।
तो इसकी जो बॉयकॉट है वो सिर्फ एक लहर है। एक अच्छी बॉलीवुड की मूवी आ रही है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो एक अच्छी मूवी विक्रम वेदा ही है। अब वो तो 30 सितंबर को ही पता चलेगा कि भाई अच्छी है या बुरी है। फिलहाल टीजर देखकर तो भाई कुछ भी नेगेटिविटी मत फैलाओ, जरूरत भी नहीं है। और यूट्यूब में अभी विक्रम वेदा फिलहाल नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों के अंदर इस पर्टिकुलर मूवी को लेकर क्या बस है। बीजीएम की बात करो तो वो ना 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 वो तो है ओरिजिनल का, और वो तो सुनकर ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से विशाल धादलानी का वो जो दूसरा बीजीएम हमें सुनने को मिला, वो आपको एक और हिंट देता है कि मूवी में आपको पुरानी चीजें तो देखने मिलेगी, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ नया तड़का भी डाला, जिस वजह से दोनों ही ऑडियंस को मजा आए। बस इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी बाय।